तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लॉ ऑफ एडिशन प्रूव करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट्स है जो कि एक रैंडोम एक्सपेरिमेंट ई एक के साथ कनेक्टेड है देन हमको शो करना है कि प्रोवाइड ऑफ ए यूनियन बी इसल टू प्रोवाइट ए प्लस प्रोवाइड ऑफ बी माइनस प्रोवाइड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोवाइड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ऑफ ए प्लस प्रोवाइड ऑफ बी माइनस ऑफ ए बी तो यहाँ पर हमने यूनियन को एडिशन से एंड इंटरसेक्शन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस किया है जो कि हम कर सकते हैं अपने आसानी के लिए तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हैं कोई सा भी फॉर्म प्रूफ कर सकते हैं ओके सो प्रूफ फर्स्ट लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स ए एंड बी दो इवेंट्स है इवेंट्स कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट ई तो ए एंड बी दो इवेंट्स हैं जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है तो हम ए और बी को लिख सकते हैं डायग्राम में ए ए है एंड ए सेकेंड वाला बी है तो यहाँ पर ए और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है जो है ए इंटरसेक्शन बी इसे हम सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी वाला पार्ट मिलेगा ए का वो होगा ए माइनस ए बी एंड बी का जो पार्ट मिलेगा वो होगा बी माइनस ए बी अगर आप पहले फॉर्म में प्रूव करना चाहें तो यहां पर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा और यहां पर आपको मिलेगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड यहां पर मिलेगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ठीक है आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं मैं सेकेंड वाला कर रहा हूं ओके सो देन हम बोल सकते हैं द इवेंट्स इवेंट्स ए माइनस ए बी ए माइनस ए बी ए बी एंड बी माइनस ए बी और पी आर वाइस पी आर वाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो ये तीन इवेंट्स पे आर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे क्योंकि हम डायग्राम पर भी क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों का कोई भी कॉमन एरिया नहीं है मतलब कि इनमें से किसी दो का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमें इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइव ही मिलेगा ओके okay, नाव हम ए प्लस बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए बी पहला वाला इवेंट प्लस ए बी प्लस तीसरा जो इवेंट है मतलब कि बी माइनस ए बी ए ए प्लस बी का वैल्यू है अगर हम पहले तरीके तो से करते तो यहाँ पर आपको मिलता ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बी प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आप ऐसे भी कर सकते थे ओके okay. ए और वाला पार्ट का है नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड अगर हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले ले प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड बोथ साइड वी गेट हमको मिलता है प्रोवर्टी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोबिटी ऑफ ए माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए बी डैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोवाबइटी ऑफ ए माइनस ए बी प्लस प्रोविटी ऑफ ए बी प्लस प्रोविटी ऑफ बी माइनस ए बी क्योंकि ए माइनस ए बी ए बी और बी माइनस ए बी ये तीनों पी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाई ऑक्जियम थ्री हमने ऑक्सीयम थ्री में प्रूव किया था कि अगर ए वन ए टू डॉडो डॉट ए एन पी आर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो प्रोवाइड ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉ डॉट ए एन इज इक्वल्स टू प्रोवाइड ऑफ ए वन प्लस प्रोवाइड बी टू प्लस डॉ ऑफ प्रोट एन सो बाई ऑक्जियम थ्री हम ये चीज लिख सकते हैं ए एक्स आई ऑक्जियम्स थ्री वी कैन राइट दिस अभी हम ए को लिख सकते हैं ए माइनस ए बी प्लस ए बी टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी प्लस ए बी डैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्योंकि ए माइनस ए बी एंड ए बी बोथ आर पेयरवाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो हमें लिख सकते हैं दैट इज इक्वस टू हमें मिलेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी तो हमें लिख सकते हैं सिमिलरली हम बी को भी बी इक्वल्स टू बी माइनस ए बी प्लस ए बी ऐसा लिख सकते हैं टेकिंग प्रोविटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोवर्ट ऑफ बी इक्वल्स टू ऑफ बी माइनस ए बी प्लस ए बी डैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी माइनस ए बी प्लस प्रोवाविटी ऑफ ए बी तो यहाँ से हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी माइनस ऑफ ए बी और इससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी मिला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी का वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोरिटी ऑफ ए बी और हमें यही प्रूव करना था सो हिंस प्रूफ्ड आप सिमिलरली एक और थ्योरी प्रूव कर सकते हैं जो थ्योरी है फॉर एनी थ्री इवेंट्स थ्री इवेंट्स ए बी सी कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट e prove that prove that probability of a plus b plus c is equals to probability of a plus probability of b plus probability of c minus probability of a b minus probability of b c minus probability of c a plus probability of a b c तो ये तीन इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का एडिशन है जो आप सिमिलर तरीके से प्रूव कर सकते हैं